गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं प्रगति द्विवेदी आपका स्वागत करती हूँ सत्यादि शर्मा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। डेली करेंट का जो हमारा सेशन चल रहा है उसी पे हमारी डेली चर्चा होती है। एक बात मुझे याद आ गई है तो आप लोग बोलते हैं कि गुड मॉर्निंग की जगह मैडम राम राम बोल दिया करो, तो राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, अभी ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। मोस्टली लोगों ने मुझे आंसर्स दिए थे, अगर मैं उनके नाम लेती हूँ तो सविता, अभिजैन, रामलाल, दया, प्रीति, रीना, जया, एचआर, छत्रपाल, एसपीआर और आनंद सिंह, ये कुछ लोगों के नाम हैं जिन्होंने आंसर्स दिए थे दोनों क्वेश्चंस के। अब हम पहले जान लेते हैं कि हमारे क्वेश्चंस क्या थे। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि पांचवा हिंद महासागर सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित किया गया, तो इसका जो सही आंसर एक ने गलत दिया था, दुबई दिया था। दुबई नहीं है, माना यूएई में आता है, लेकिन यूए की कैपिटल अबू धाबी में पांचवा हिंद महासागर सम्मेलन आयोजित किया गया था। कब ये आयोजित हुआ था, अगर मैं बात करती हूँ तो ये आयोजित हुआ था 4 दिसंबर को, मतलब हो चुका है 4 दिसंबर को। और संस्करण कौन सा था, तो संस्करण था इस बार का 5वां। थीम, इस बार की थीम क्या थी, तो इंडियन ओशियन इकोलॉजी, इकोनॉमी और एपिडेमिक, इस बार की क्या थी, 5वें हिंद महासागर सम्मेलन की थीम थी। चलिए एक और क्वेश्चन मैंने पूछा था आपसे कि हाल ही में किस देश के सुमेरु ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, तो इसका भी सही आंसर दिया था आप लोगों ने कि इंडोनेशिया के सुमेरु ज्वालामुखी में क्या हुआ है, हाल ही में विस्फोट हुआ है। देखो सर्दी खांसी का मौसम चल रहा है तो बीच बीच में खांसी आना स्वाभाविक है, तो आप लोग है ना चिंतित ना रहें। चलिए तो अब अगर मैं बात करती हूँ कि ये कौन से उसमें हुआ था, इंडोनेशिया में, मैंने आपको बताया तो इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर सुमेरु ज्वालामुखी फटा है। जावा द्वीप को लेकर याद रखना कि जावा द्वीप का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है सुमेरु ज्वालामुखी। सुमेरु ज्वालामुखी जावा द्वीप का क्या है, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है 3600 मीटर या 12,000 फीट। ये इंडोनेशिया के लगभग 130 सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है, मतलब इंडोनेशिया में लगभग 130 जो है ज्वालामुखी वो कैसे हैं, एक्टिव है। सक्रिय कहने का मतलब उनमें कोई ना कोई हलचल होती रहती है और कोई ना कोई फटता रहता है, और ये 1918 के बाद से अब तक लगभग 55 बार फट चुका है। कौन सा ज्वालामुखी, तो इंडोनेशिया का जो सुमेरु ज्वालामुखी है, ये 1918 के बाद से अब तक 2021 की अगर बात करती हूँ तो 55 टाइम्स फट चुका है सुमेरु ज्वालामुखी। चलिए अब ये थी कल तक की बात, अब करते हैं आज की बात। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हमार आपन बजट, कौन सा हमार आपन बजट नाम से वेब पोर्टल लॉन्च किया है, तो ये किसने लॉन्च किया है, तो ये किया है झारखंड की राज्य सरकार ने। झारखंड की राज्य सरकार ने लॉन्च किया है, क्या लॉन्च किया है, हमार आपन बजट, सुना होगा ना आप लोगों ने। हाँ, हमार आपन बजट ये क्या है एक्चुअली, इसमें क्या होगा कि झारखंड की राज्य सरकार ने एक तरह से खुला निमंत्रण दिया है जनता को, निमंत्रण भंडारे का नहीं दिया है, ठीक है। अभी क्या है कि झारखंड में बजट आने वाला है, तो बजट के लिए आप लोगों की क्या कैसी राय है, कैसा होना चाहिए, किस एरिया में ऐसा होना चाहिए, मतलब जो आपकी राय हो वो खुली उनने क्या दी है, आपको आमंत्रण दिया है कि भाई ये पोर्टल पे या ऐप पे क्या करो, आप साइन इन करके अपनी जो भी आपका सुझाव है, जो भी आइडिया है, उस पे क्या दो। झारखंड की राज्य सरकार ने अपना ये ऐप लॉन्च किया है बजट के रिगार्डिंग, इतनी बात आएगी आ गई आपको समझ में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू है, 8 दिसंबर 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किसे प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड से सम्मानित करेंगे, प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा राष्ट्रपति जी द्वारा 8 दिसंबर को, तो ये किया जाएगा 22वीं मिसाइल वेसल स्क्वाडन को, किसको, 22वीं मिसाइल वेसल स्क्वाडन को इससे सम्मानित किया जाएगा। प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड राष्ट्र को प्रदान की गई सेवा के सम्मान में किसी सैन्य इकाई को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, कौन सा, प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड, अभी जो बताया मैंने आपको 8 दिसंबर को दिया जाएगा, और यह पुरस्कार अपनी विशिष्ट सेवा के लिए एक दुर्लभ सम्मान है, दुर्लभ है मतलब हल्के में नहीं लेना है कि चाहे किसी को मिल गया और किसी ने भी ले लिया, ऐसा इसमें कुछ नहीं होता है, दुर्लभ सम्मान है। और अगर मैं बात करती हूँ कि
महावीर चक्र, 7 वीर चक्र और 8 नौसेना पदक सहित विशिष्ट युद्ध सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। किसको? वेसल स्क्वाड्रन को। वेसल स्क्वाड्रन ने 1971 के युद्ध में कराची बंदरगाह पर पाकिस्तानी नौसेना के जहाजों को ध्वस्त कर दिया था। इतने सारे अवार्ड्स के साथ अभी प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड्स भी इसको दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाल ही में विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया है? तो 5 दिसंबर को वर्ल्ड सोयल डे मनाया गया है। अब बात आप बताओ कि मृदा दिवस है तो क्यों मनाया जाएगा? ऑब्वियस सी बात है कि लोग क्या हो गए हैं कि मिट्टी के जो भी मिट्टी की उपयोगिता है उसको भूल गए हैं, तो उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस हर साल 5 दिसंबर को मनाया जाता है। मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए, मिट्टी की गुणवत्ता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, और जून 2013 में खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO सम्मेलन में सर्वसम्मति से विश्व मृदा दिवस का समर्थन किया गया था। कब? FAO के द्वारा इसका क्या किया गया था? समर्थन किया गया था कि मृदा दिवस वही मनाना चाहिए 2013 में। अब FAO की बात आई तो ये इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में रोम और इटली में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है और मुख्यालय यानी अध्यक्ष कौन है? तो वो है क्यू डोंग्यू, इसके अध्यक्ष है UNFAO के। चलिए आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर है, BWUF पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बने हैं? तो जो सबसे ज्यादा F1 यानी फॉर्मूला 1 रेस जीतने वाले हैं वही कौन बने हैं? अभी इसमें ही बने हैं। तो आपको अगर थोड़ी सी मैंने हिंट दी है, आंसर क्या है? विक्टर एक्सेलसन। अच्छा, ये फॉर्मूला 1 इसमें नहीं आएगा। हाँ, BWF पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर मिला है इनको। किनको? विक्टर एक्सेलसन को BWF पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर के नाम से अवार्ड इनको दिया गया है। ये आपके सामने है कौन? विक्टर एक्सेलसन। काफी पसीना आ रहा है इनको, बहुत मेहनत करके आ रहे हैं, ठीक है। हाँ चलो, अब अगर मैंने अभी आपको बताया पुरुष के बारे में, और इनके बारे में अगर बात करें विक्टर एक्सेलसन के बारे में, तो टोक्यो ओलंपिक के चैंपियन सटलर, मतलब टोक्यो ओलंपिक के चैंपियन सटलर है कौन? विक्टर एक्सेलसन को BWF के साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष चुना गया है। मतलब इस साल के सर्वश्रेष्ठ पुरुष कौन है? तो विक्टर एक्सेलसन। और विक्टर एक्सेलसन डेनमार्क के रहने वाले हैं। कहाँ के हैं? तो डेनमार्क के। और वुमेन, अब जैसे मैंने आपको मैन प्लेयर ऑफ द ईयर बताया, तो वुमेन में कौन है? तो वो है ताई त्यू यिंग। कहाँ की है? चीन की। ताई त्यू यिंग चीन की है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव, कि कौन सा देश G20 ट्रोइका में शामिल हुआ है? अभी हाल ही में G20 ट्रोइका में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो ये हुआ है हमारा भारत, अपना इंडिया G20 ट्रोइका में शामिल हुआ है। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि ये G20 ट्रोइका है क्या आखिर? चलिए इसके बारे में जानते हैं कि भारत G20 ट्रोइका में शामिल होने और G20 एजेंडे की निरंतरता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए इंडोनेशिया और इटली के साथ मिलकर क्या करेगा? काम करेगा। और 2023 में भारत पहली बार G20 शिखर सम्मेलन की क्या करेगा? मेजबानी करेगा भारत। कब? 2023 में। ट्रोइका, ट्रोइका का मतलब क्या होता है? एक साथ काम करने वाले 3 देशों का समूह। जैसा कि अभी मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, भारत इंडोनेशिया और इटली, तो इन 3 देशों का क्या हुआ है? समूह हुआ है। तो यही क्या है? ट्रोइका। अब G20 ट्रोइका, तो G20 ट्रोइका का मतलब ये है कि हर साल जब एक सदस्य देश
अध्यक्ष पद पर ग्रहण करता है। मतलब हर साल जब कोई एक सदस्य क्या करता है, सदस्य देश अपना अध्यक्ष पद ग्रहण करता है, तो वह देश पिछले साल के अध्यक्ष देश और अगले साल के अध्यक्ष देश के साथ समन्वय स्थापित करता है। मतलब जैसे मान लो इंडिया ने अभी किया, तो इंडिया ने का जो सपोर्ट, यानी इंडिया का सपोर्ट कौन करेगा, इटली और इंडोनेशिया, और इन तीनों के साथ क्या होगा, समन्वय, मतलब इनके बीच समन्वय, समझ रहे ना आप लोग, हाँ, स्थापित किया जाएगा। यही होता है G20 ट्रोइका। इस प्रक्रिया को ही क्या बोला जाता है, ट्रोइका कहा जाता है। मतलब आने वाला जो भी सदस्य देश होगा और पिछले साल वाला, दोनों का कॉम्बिनेशन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स है, हाल ही में किस देश ने हॉकी जूनियर विश्व कप जीता है। हाल ही में किस देश ने हॉकी जूनियर विश्व कप 2021 जीता है, तो ये जीता है किसने, अर्जेंटीना ने जीता है जर्मनी को हराकर। जबकि अगर बात करें सबसे ज्यादा बार ये अवार्ड किसने जीता, तो जर्मनी ने ही जीता है, लेकिन इस बार चांस किसने ले लिया, अर्जेंटीना ने। किसने, अर्जेंटीना ने। तो हॉकी जूनियर विश्व कप किसने जीता, अर्जेंटीना ने जीता है, और किसको हरा के जीता है, तो जर्मनी को। उप विजेता टीम कौन सी रही, जर्मनी। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि आयोजन कहाँ हुआ था, तो हुआ था उड़ीसा में। उड़ीसा में इसका क्या हुआ था आयोजन, किसका, जूनियर, जो जूनियर विश्व कप हॉकी था ना, FIH, उसका हुआ था कहाँ, उड़ीसा में आयोजन। और अर्जेंटीना ने दूसरी बार पुरुष हॉकी विश्व कप जीता है, दूसरी बार अर्जेंटीना ने, दूसरी बार, जबकि सबसे ज्यादा बार तो जर्मनी ने। फ्रांस की टीम तीसरे स्थान पर रही है, फ्रांस रही तीसरे पे, दूसरे पे जर्मनी, पहले पे कौन रही, हाँ अर्जेंटीना। और भारत की अगर बात करती हूँ, तो भारत इसमें फोर्थ स्थान पे रहा है। भारत भैया ना पहले, ना दूसरे, ना तीसरे, चौथे पे रहा है, कौन, अपना भारत। और अब अगर बात करती हूँ, मैंने अभी तो आपको जूनियर की बताई, सीनियर्स की अगर बात करूं, तो सीनियर्स की जो आयोजन होगा वो 2023 में ही होगा। कहाँ होगा, उड़ीसा में ही होगा। आपको अगर याद हो, उड़ीसा के राउरकेला में सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है, याद है कि नहीं, हाँ। तो 2023 में उड़ीसा में जूनियर्स का नहीं, सीनियर्स हॉकी कप का क्या होगा, आयोजन होगा। चलिए, तो ये भी आपको याद रखना है। और अभी तक जर्मनी ने सबसे ज्यादा 6 बार ये खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन है, मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है। मिस ट्रांस ग्लोबल जीतने वाली पहली भारतीय, तो ये बनी है कौन, श्रुति सितारा। ये आपके सामने जो फोटो दिख रही है, ये कौन है, ये कितने मुस्कुराते हुए आई है ना, आई ना, हाँ हाँ, टप टप टप, हाँ। तो ये सामने जो दिख रही है, ये कौन है, श्रुति सितारा। अब अगर श्रुति सितारा के बारे में बात करूं, तो ये कहाँ की रहने वाली है, केरल की रहने वाली है श्रुति सितारा। और इन्होंने केरल सरकार के सामाजिक न्याय विभाग में एक परियोजना सहायक के रूप में भी कार्य किया है श्रुति सितारा ने। अच्छा, ये अभी मैंने आपको कुछ बताए हैं अवार्ड को लेके। और अगर मैं अगर आपसे पूछूं कि फर्स्ट मिस इंडिया खिताब तो किसने जीता, चलो बात कर लेते हैं इस पे भी। फर्स्ट मिस इंडिया खिताब याद रखना, पर अग्रवाल। फर्स्ट मिस इंडिया खिताब तो किसने जीता, पर्ल अग्रवाल ने। किसने, पर्ल अग्रवाल। बार बार बोलने से चीजें क्या होती हैं, याद होती हैं आपको। अभी तो श्रुति सितारा याद हो गई होगी, बाकी के सब भूल गए होंगे, तभी तो नहीं बता पा रहे हो, है ना। तो फर्स्ट मिस इंडिया किसने जीता, पर्ल अग्रवाल। मिस यूनिवर्स अगर पूछू तो कौन बनी है, तो वो बनी है एंड्रिया मेजा। एंड्रिया मेजा कौन बनी है, मिस यूनिवर्स एंड्रिया मेजा, याद रखना एंड्रिया मेजा, मिस यूनिवर्स 2020, है ना, मिस यूनिवर्स। तो वो कौन बनी है, तो ये बनी है एंड्रिया मेजा। और अगर मैं बात करूं, एक याद हो आपको, अगर रश्मि माधुरी का नाम सुना सुना लग रहा होगा, मिस इंडिया अर्थ बताया था शायद, है ना, हाँ। ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ, बस एक क्या है कि आप भूल गए हो, मिस इंडिया अर्थ ये बता चुकी हूँ, रश्मि माधुरी बनी थी, पूरी तरह आपको अगर याद हो तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको कौन सा भाई कुछ करने वाली हूँ, है ना, हाँ।
बस इसलिए बता रही हूँ आप एक बार रिवाइज कर लो कि फर्स्ट मिस इंडिया तो पल अग्रवाल, फिर मिस यूनिवर्स एंड्रिया मेजा बनी है, और मिस इंडिया अर्थ कौन बनी है तो वो बनी थी रश्मि माधुरी, और मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड अगर पूछती हूँ तो डॉक्टर अक्षता प्रभु, ये भी लिख दूं क्या? चलो लिख देती हूँ, मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड तो वो कौन बनी है? अक्षता प्रभु, डॉक्टर अक्षता प्रभु बनी है मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड। लो ये है चारों, एक बार बोल के और बता देती हूँ जिससे आप लोगों को अगर बाय चांस राइटिंग समझ में नहीं आ रहा हो, राइटिंग मेरा वैसे बहुत अच्छा है, सच में भी नहीं अच्छा है लेकिन इसमें पता नहीं क्यों अच्छा नहीं आता है ना। चलो मिस फर्स्ट मिस इंडिया का खिताब, मिस खिताब इंडिया का खिताब किसने जीता? तो ये जीता पल अग्रवाल। फिर मिस यूनिवर्स तो वो रही एंड्रिया मेजा। फिर मिस इंडिया अर्थ तो वो रही रश्मि माधुरी। एंड मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड तो वो कौन बनी? डॉक्टर अक्षता प्रभु। और श्रुति सितारा को नहीं भूलना है ना। हाँ चलो, श्रुति सितारा मिस ट्रांस ग्लोबल, सभी पृष्ठभूमि के ट्रांस और लिंग गैर अनुरूपता वाले लोगों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन प्रेजेंट है, जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं मोस्टली उन लोगों के लिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट है, BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? अभी तो खैर पीवी सिंधु को रजत पदक से ही संतुष्टि करनी पड़ी, लेकिन याद रखना कि 2018 में, कब 2018 में पहली ऐसी महिला भारतीय बनी थी कौन? पीवी सिंधु, जिन्होंने BWF वर्ल्ड टूर फाइनल का कप जीता था 2018 में, लेकिन अब क्या जीता है इन्होंने? रजत। अब गोल्ड किसने जीता है? जब इन्होंने रजत जीता है तो गोल्ड विजेता कौन है? एन सियांग। कहाँ की है? तो दक्षिण कोरिया की। एन सियांग कहाँ की है? दक्षिण कोरिया। और पीवी सिंधु ने 2018 में ये खिताब जीता था और पहली भारतीय बनी थी, है ना। चलो पुरुषों में किसने जीता? तो पुरुषों में विक्टर एक्सेलसन ने थाईलैंड के कुनालुगुत बिटिडसन को हरा के ये अवार्ड जीता है। किसने? विक्टर एक्सेलसन। अभी विक्टर एक्सेलसन को मैंने आपको बताया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है? सऊदी अरब। अब बात आती है फॉर्मूला वन रेस की, है ना, F1 जिसको आप बोलते हैं, तो ये जीता है लुइस हैमिल्टन, यानी सर लुइस हैमिल्टन। इनके बारे में कई बार बता चुकी हूँ कि ये कहाँ के हैं? ग्रेट ब्रिटेन के हैं। कहाँ के? ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा ही इन्हें नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, जिसके बाद से इनके नाम के आगे आप क्या जोड़ते हैं? सर लुइस हैमिल्टन। और याद रखना, सबसे ज्यादा फॉर्मूला वन रेस जीतने वाले खिलाड़ी हैं कौन? लुइस हैमिल्टन। मर्सिडीज के ड्राइवर हैं लुइस हैमिल्टन। इन्होंने अभी तक 104 फॉर्मूला वन रेसेस जीती हैं लुइस हैमिल्टन ने। अच्छा, अब बात यहाँ लुइस हैमिल्टन की आई है, तो आपको अगर याद हो कि लुइस हैमिल्टन के और भी खिताब मैंने आपको बताए हैं, जैसे कि कतर ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो सर लुइस हैमिल्टन ने। कतर ग्रैंड प्रिक्स तो किसने जीता? सर लुइस हैमिल्टन, कतर ग्रैंड प्रिक्स, है ना। और ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स, तो ब्राजीलियन भी किसने जीता? लुइस हैमिल्टन ने ही जीता। कतर ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो लुइस हैमिल्टन ने जीता, है ना। ये कोमे का मतलब ये होता है कि सेम जो ऊपर लिखा है वही नीचे। और रशियन ग्रैंड प्रिक्स भी किसने जीता? तो सर लुइस हैमिल्टन ने। यहां तक थी किसकी बात? सर लुइस हैमिल्टन। कौन कौन से? कतर, ब्राजीलियन और रशियन, और अभी सऊदी अरब वाला। तो ये चारों याद रखना। और मोस्ट में आपको बता दूं कि सऊदी अरब ने पहली बार ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला वन रेस का आयोजन किया था। किसने? सऊदी अरब ने। कहाँ हुआ था? तो जेद्दा कारने सर्किट सऊदी अरब में। कहाँ? जेद्दा कारने सर्किट में, ठीक है। लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज ग्रेट ब्रिटेन की 104 F1 रेस जीत चुके हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है? कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा अभी हाल ही में वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है, तो वो किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है प्रिजर्वेंस को। किसको? प्रिजर्वेंस को। अब आपके मन में आ रहा होगा कि प्रिजर्वेंस होता क्या है, तो चलिए इसका मतलब समझ लेते हैं।
इसका मतलब क्या होता है? प्रेजर्वेंस एक ऐसा शब्द है जो पिछले 12 महीनों की कई चुनौतियों के बावजूद दुनिया भर के लोगों की कभी हार न मानने की अदम्य इच्छा को दर्शाता है। प्रेजर्वेंस को अगर मैं अपनी लैंग्वेज में बोलूं तो एक तरह से ढीठ, जो ढीठ लोग होते हैं ना उनको बोल सकते हैं प्रेजर्वेंस, जो कभी हार न माने और वही जो उनकी मतलब उनने जो बना लिया वही उनका सब कुछ, ये होता है प्रेजर्वेंस। ठीक है, चलो अब आते हैं रिवीजन पे। अच्छा, रिवीजन से पहले आपके ये क्वेश्चंस आ गए हैं? कोई नहीं, चलो ये क्वेश्चंस आपके मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। आते हैं रिवीजन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का रिवीजन आपका है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने हमारा अपन बजट नाम से एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किया है झारखंड की सरकार ने। 8 दिसंबर 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किसे प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड से सम्मानित करेंगे? तो 22वीं मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन को। हाल ही में विश्व मृदा दिवस तो मनाया गया है 5 दिसंबर को। WWF पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बने हैं? तो वो बने हैं विक्टर एक्सेलसन। ये आपका डिवीजन चल रहा है तो ये कैसा होगा? जल्दी होगा। फिर कौन सा देश G20 ट्रोइका में शामिल हुआ? तो ये हुआ है भारत। हाल ही में किस देश ने हॉकी जूनियर विश्व कप 2021 जीता? तो अर्जेंटीना ने। मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 जीतने वाली भारतीय कौन बनी? तो श्रुति सितारा। और भी मैंने आपको बताए थे वो भी याद रखना। BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता? तो रजत। और सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स जीता है सर लुइस हैमिल्टन ने। लास्ट क्वेश्चन और था आपका, लास्ट था कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर तो किसे चुना गया है? प्रेजर्वेंस को। किसको? प्रेजर्वेंस। अब आ जाते हैं आपके क्वेश्चंस पे। आपके क्वेश्चंस है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आप लोग चाहें तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन, मिंत्रा की पेरेंट कंपनी का क्या नाम है? मिंत्रा की, काफी शॉपिंग करते होंगे ना आप लोग? हाँ, मिंत्रा ऐप से होगा, आप लोगों के फोन में भी होगा। तो इसी के बारे में बताना है। ये ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, इधर कर देती हूँ इसको। चलिए अब ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ले लिया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि चक्रवात यास का नाम किस देश में रखा गया था? ये बताना है कि चक्रवात जो यास अभी आया है उसका यास जो नाम है वो किस देश में रखा गया था? ये ऑप्शंस है ओमान, थाईलैंड, बांग्लादेश और पाकिस्तान। चार ऑप्शंस में से कोई एक है आपका सही आंसर, तो इनमें से कोई एक सही आंसर चूज करके आपको क्या करना है? सही आंसर बताना है। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।